तो सब लोग अपना कैमरा ऑन रखो। चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स। सबसे फर्स्ट टॉपिक ये आएगा कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? बताओ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स बेटा क्या होते हैं? किसी को नहीं पता? यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट पॉलिनोमियल। कितने टाइम्स मैं बोलूं? हां बोलो। कैन आई से भव्य? प्रणय पॉलिनोमियल इज अ टर्म व्हिच हैज मोर देन अ फोर टर्म। मोर देन फोर टर्म्स। ओके एनीबॉडी एल्स? यस वन। कैन आई से भव्य? हां सृष्टि किरण। Ma'am, it is an algebraic expression also. It is an algebraic expression, correct? Next. Ma'am, can I say bhavya? Haan, bolo bhavya. Ma'am, it tells about the degree of the algebraic expression. Wo sab property hua. But polynomial kaise identify karoge tum? Maine kuch likha equation. How you will identify ki wo polynomial hai? कैसे पता चलेगा? उसकी कोई डेफिनेशन होगी ना जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, वो पीक्यू फॉर्म में होता है। पीक्यू पी बाई क्यू फॉर्म में? यस मैम। नो बेटा, पी बाई क्यू फॉर्म में। पॉलिनोमियल कहाँ से आता है? पी बाई क्यू फॉर्म में, तो रैशनल नंबर होता है। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैम जिसकी चार टर्म से ज्यादा वो पॉलिनोमियल होती है। जिसके चार टर्म से ज्यादा हो तो उसे पॉलिनोमियल। मैम मैम आई गॉट। मैं अगर ऐसा लिखूं 3x पावर 4 -5x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बताओ। नहीं है मैम, ये बाइनोमियल है। हाउ मेनी ऑफ यू हैंड रेज करो। अरे भव्य, हैंड लोअर योर हैंड। ओके मैम। अब मेरे को ये बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू आर हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दैट? वो हैंड रेस करो। और जो हैंड रेस नहीं कर रहे उसका मतलब वो नो नो हुआ, राइट? दैट दे डोंट अग्री विद दैट। ओके, सो नम्र, मेश्वर, आर्यन, डी एंड प्रणय। प्रणय प्रणय ओके, दे आर 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स आर सेइंग कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। मेश्वर बताओ बेटा क्यों ऐसा, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? मैम मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने हैंड्रेस नहीं किया। ओके दिया, पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? मैम बिकॉज इसमें दो टर्म्स ही गिवन है, पॉलिनोमियल्स में फोर और फोर से ज्यादा टर्म्स गिवन होती है। अच्छा ओके नम्र। मैम इसमें दो ही टर्म्स है ना, इसलिए। यस मैम। हां मैम हो सकते हैं पॉलिनोमियल क्योंकि स्क्वायर है तो 3x इनका मतलब तीन बार होगा, तो अगर देखा जाए तो चार टर्म से ज्यादा हो जाते हैं, तो यस भी हो सकता है। मल्टीप्लाई में थोड़ी वो टर्म काउंट होता है। अगर मैंने लिखा है x पावर 100 तो ये टर्म तो एक ही हुआ। x को 100 टाइम्स लिखेंगे तो 100 टर्म्स नहीं हुआ बेटा। हां तो मैंने पॉलीनोमियल नहीं, पॉलीनोमियल नहीं है। ओके सृष्टि, पॉलीनोमियल क्यों है? मैम बिकॉज इन बिटवीन x power 4 and x, there are some variables which have exponents, x cube, x square. No, there are no variables, x cube, x square है ही नहीं, इसीलिए तो लिखा नहीं है, क्योंकि वो जीरो है। मैम हम 0x cube plus 0x square वैसे है। वो तो मैं को उस फॉर्म में लिखना हो तो I can write down, वो डमी होते हैं बेटा, डमी। You know what are dummies?
डमी मतलब क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको सिर्फ हमने लाइक यू नो शो पीस रखा होता है, बट एक्चुअली उसका कोई वैल्यू नहीं है. इट्स लाइक दैट राइट. आर्यन यस, आर्यन नो मैम, मुझे डाउट नहीं है, मैं अग्री कर रहा हूँ. हाँ अग्री क्यों कर रहे हो, वही मैं पूछ रही हूँ मैम. बिकॉज व्हेन एनी वेरिएबल इज हैविंग डिग्री व्हिच इज अ नेचुरल, any variable having degree, natural numbers degree, degree natural number, इतना late क्यों बताया? What ma'am? This is a polynomial. ये polynomial है, but उसका reason देखो बेटा, reason जितनों ने भी बताया सब गड़बड़. आर्यन ने बताया वो सही था, बाकी सबका reason was wrong. You were telling the property, but your reason was not proper. जो भी बोला वो सही है, वो गलत नहीं है. जैसे प्रणय, you said that more than four हो या three हो, या दिया ने भी बोला more than three या more than four हो, तो ही polynomial होता है. That's correct, but that is not the definition of a polynomial. Polynomial उसको नहीं बोलते थे. Polynomial उसे बोलते हैं जिसमें variable सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि वो algebraic expression होना चाहिए. और सेकेंड थिंग, वेरिएबल्स का पावर शुड बी, यू कैन से होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर. वेरिएबल का पावर शुड बी अ होल नंबर. ओके, व्हाट डज दिस मीन? के x का, अगर यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो x का पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. फर्स्ट थिंग, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए, वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ये सब नंबर्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ होल नंबर्स ही होने चाहिए, तो ही वो पॉलीनोमियल है. वेरिएबल का पावर शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर. Then only you can say that the given algebraic expression is a polynomial. Okay? Now let me come to the part. जो तुम लोगों को लगता है जैसे one term है तो monomial बोलते हैं. Two terms, three terms, trinomial, and four terms होते हैं या more than four terms हो, so you say polynomial. ठीक है? अब इसका ये एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और बिकॉज तुम टेक्स्ट बुक में पॉइंट रीड नहीं करते. अगर तुम टेक्स्ट बुक, जो भी तुमने ये चीज पढ़ी है एक स्टैंडर्ड में, उसमें टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट रीड करोगे तो यू विल कम टू नो मोनोमियल, पॉलीनोमियल, ट्राइनोमियल आर द पॉलीनोमियल्स. उसका डेफिनेशन ऐसा होता है, आर द पॉलीनोमियल्स जिसको क्लासिफाई किया है विद नंबर ऑफ टर्म्स. कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एक ही टर्म है देन इट इज कॉल्ड अ मोनोमियल, दैट पॉलीनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल. अगर दो टर्म है देन दैट पॉलीनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल. अगर थ्री टर्म्स है दैट पॉलीनोमियल इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. और थ्री से ज्यादा है तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उसको हम पॉलीनोमियल ही बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. Don't come into that thing के तीन से ज्यादा टर्म हो तो ही पॉलीनोमियल है, ऐसा नहीं होता है. अगर मैंने कोई भी एक सिंगल टर्म भी लिखा है, this is also a polynomial, minus 3 upon 4 x power 5. मेरे को सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है कि नहीं है. तो वेरिएबल का पावर होल नंबर है, so it is a polynomial. Okay, but it is a monomial. कैसे बोलेंगे इसको? Because it has only one term. So this polynomial can also be said as monomial. Okay, but don't think के monomial, binomial, trinomial, polynomial नहीं होते. That's wrong. Okay, इसका proper definition कैसा होता है? A polynomial with one term, single term is called monomial. A polynomial with two terms is called binomial. A polynomial with three terms is called trinomial. Okay, everybody, ये चीज clear हो गई सबको? What is polynomial? Yes, ma'am. Okay, so your power should be
a natural or a whole number. Okay? Now comes coefficient. ये तो polynomial की definition हो गई. अब क्या-क्या इसके parts हैं? Polynomials में क्या-क्या चीजें होती हैं? एक होती है coefficients, right? Second होता है degree. Coefficient. Everybody is aware. What is coefficient? सबको पता है? इधर x पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है? x पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है? 3. क्या है x क्यूब का कोएफिशिएंट? -5. ये कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है ये कांस्टेंट नंबर विद साइन लेने का. ओके, कोएफिशिएंट क्या होता है? वो नंबर. जैसे मैंने x क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा, क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, सो यू विल राइट -5. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? x का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट यानी वो नंबर. x के साथ कौन सा नंबर है? x के साथ कौन सा नंबर है? +3. ओके, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5? x पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है? 4. ऐसा लिखो, कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट क्या है? 1, नॉट 0. डोंट राइट 0, कोएफिशिएंट इज 1. अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब आगे 1 है. मल्टीप्लाई में होता है बेटा, अगर 0 लिख दोगे ना तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी व्हाट इज कोएफिशिएंट? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Degree means highest power. Degree का मतलब होता है highest power. सबसे बड़ा power कौन सा है? ये जो मैंने polynomial दिया है उसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है? पावर मैम 1x5. पावर 5 3 1. और इधर कुछ भी नहीं है मतलब 0. सो सबसे बड़ा पावर कौन सा हुआ? पावर मतलब ऊपर वाले नंबर बेटा. पावर 5. तो ये जो पॉलीनोमियल है उसकी डिग्री क्या हुई? 5. डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल विल बी 5. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस मैम. यस मैम. नाउ आई गिव सम सम्स, जिसमें तुम्हें बताना है कि वो पॉलीनोमियल है कि नहीं. ओके, राइट नाउ just write down yes or no. Polynomial है तो yes, polynomial नहीं है तो no. तो मैं reason पूछूंगी. मैम डायरेक्ट आंसर लिखना है? नहीं नहीं बेटा, क्वेश्चन लिखने हैं, डायरेक्ट नहीं लिखना है.
x cube minus 5x plus 2 प्रणय पॉलिनोमियल है कि नहीं है मैम है यस मैम इट इज रीजन मेक श्योर ध्यान से देखना आगे के क्वेश्चन आई विल आस्क यू x cube minus 5x plus 2 पॉलिनोमियल है रीजन बताओ प्रणय मैम क्योंकि उसमें डिग्री है और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है क्योंकि उसके जो सारे जैसे वेरिएबल्स है वेरिएबल कौन सा इधर x है उनके पावर देखो इधर 3 है इधर 1 पावर सारे पॉजिटिव होने चाहिए और होल नंबर होने चाहिए होल नंबर पता है ना क्या होता है 0 1 2 3 ऐसे नंबर होने चाहिए तो वो है इसीलिए ये पॉलिनोमियल है सेकंड सृष्टि Yes, ma'am, it is a polynomial. It is a polynomial. Reason? Ma'am, इसके सारे exponents के exponents whole number है. हाँ, इसके सारे exponents whole number है. Again, इधर y का power क्या है? 2. Y का power इधर क्या है? 1. अगर तुम तुम्हें y के आगे क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, तुमको वो नहीं देखना है. हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है. Variable का exponent क्या है? वेरिएबल है y, तो y का पावर है 2, इधर y का पावर है 1, बस खत्म. पॉजिटिव नंबर्स है, होल नंबर है, तो इट इज अ पॉलीनोमियल. थर्ड नंबर तो हुई पची. यस मैम. इट इज अ पॉलीनोमियल और नॉट? नो मैम. नो रीजन बेटा अक्कड़ वो यस नो यस नो ऐसा नो मैम. फिर रीजन तो कुछ तो सोचा होगा ना दिमाग में कि नो क्यों नो लिखा है उसका मुझे आंसर दो. मैम ये एक्स की वजह से. एक्स में क्या है बेटा? मैम ये रूट एक्स कर दिया ना इसलिए मैम. यस एक्स जो है रूट पे है. रूट का पावर होता है 1/2. इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो. देखो इट इज रिटन लाइक दिस. रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है. तो ये कि देखो वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर नहीं है, रूट में है x का. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल. x का पावर 1/2 है एक्सपोनेंट, सो इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल. हो गया क्वेश्चन नंबर 4. यस मैम, इट इज अ पॉलीनोमियल. Yes. Why? Ma'am, because it's variable. There is no variable, but its degree is one only, which is a whole number. Its degree is one. No, no ma'am. Zero. 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 Yes. Minus six. I said one. कोई variable ही नहीं है. तो कोई भी तुम variable ले लो automatic y power zero. इसको ऐसे भी लिख सकते हो. Minus six y power zero. कुछ भी नहीं है ना. कोई नंबर हमारा. देखो मैंने इसीलिए मैंने तुमको स्पेसिफिकली क्लियर डेफिनेशन बताई. तुम्हें सिर्फ वही चीज देखने की वेरिएबल का पावर. दैट्स इट. ओनली दैट टेल्स यू कि वो पॉलीनोमियल है कि नहीं है. तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, मतलब उसका पावर हुआ जीरो. और जीरो इज अ होल नंबर. जीरो चलेगा राइट. जीरो इज अ होल नंबर. सो देयरफॉर दिस इज अ पॉलीनोमियल. यस ओके. जिसका गलत हो रहा है ना बेटा वो नीचे रीजन लिखते जाना क्यों है. और जिसने नहीं लिखा है उनको लिखना है यस है तो क्यों है, नो का भी रीजन लिखो ताकि जब रिविजन करोगे तो पता चलेगा. क्वेश्चन नंबर 5 आर्यन. Yes, ma'am, it is a polynomial. It is a polynomial. T ka power hai 2, T ka power hai 1. Hello? T ka power 2, T ka. Ab uske aage peeche 2 root 3, uska humko kuch lena dena nahi hai.
मुझे तो सिर्फ वेरिएबल के ही पावर्स देखने हैं और वो है होल नंबर इधर टू है इधर मल्टीप्लिकेशन दिस इज यस दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 किसका बाकी रह गया है मेश्वर क्वेश्चन नंबर 6 यस मैम मैम नो नो व्हाई मैम क्योंकि इधर जेड की पावर 2 है हाँ आगे कुछ भी नहीं तो जेड का ये वाला जेड का पावर 2 जो 2 तो होल नंबर होता है यस मैम तो फिर क्यों नहीं यस मैम पॉलीनोम इसका पावर क्या है 2 जेड का पावर 2 है तो ये पॉलीनोम है कि नहीं है यस यस नो इट इज नॉट अ पॉलीनोम बट कैसे ये z square 5 इस x square नीचे ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे ऊपर तो कोई भी पावर जब ऊपर जाता है तो होता है नेगेटिव ये ऐसे लिखा जाएगा z square plus 5 z power minus 2 नीचे है ना ऊपर चला जाएगा minus 2 and 1 अब देखो z का पावर इधर है z का पावर 2 और इधर है z का पावर माइनस 2 सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल क्वेश्चन नंबर 7 दिया यस मैम मैम इट इज नो बिकॉज़ 5x रूट में इसलिए करेक्ट ठीक है x के ऊपर रूट है इसलिए इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल क्वेश्चन नंबर 8 Pranay. Yes, ma'am. Hmm. Ma'am, it is not a polynomial. Make sure. Question number 8 ka kya lagta hai? Not polynomial. Not polynomial. Why? Ma'am, kyunki niche a ki power hai minus 2. बेटा तुम लोग मैं जो बोलती हूँ वो पूरा सुना करो आधा मत सुनो नीचे पावर है ऊपर लेकर जाओ उसको नीचे पावर क्या है 4x पावर माइनस 2 उसको ऊपर लेकर जाओ मैम प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा वो माइनस 2 ऊपर चला जाएगा प्लस 2 हो जाएगा 4x पावर 2 ठीक है इसको एक्चुअली ब्रैकेट में सो ये जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2 अब हो गया पॉलीनोमियल इट इज अ पॉलीनोमियल नाइन्थ वाला सृष्टि मैम यस और नो 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 भाग्य भाग्य व्हाट यस मैम इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल नॉट अ पॉलीनोमियल प्रणय मैम नाइन्थ वन इज नॉट अ पॉलीनोमियल नो मैम इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल हम स्क्रीन में दिख नहीं रहा जो नंबर मैम इट्स नॉट अ पॉलीनोमियल ओके मेश्वर नॉट पॉलीनोमियल नॉट अ पॉलीनोमियल आर्यन मैम नॉट अ पॉलीनोमियल नॉट अ पॉलीनोमियल ओके अब इसका आंसर मैं इट इज अ पॉलीनोमियल मैं को प्रूव करके दिखाओ ये पॉलीनोमियल कैसे है इट इज अ पॉलीनोमियल किसी ने भी राइट नहीं दिया आंसर आई एम टेलिंग यू द आंसर इट इज अ पॉलीनोमियल तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ कैसे पॉलीनोमियल हो रहा है सी अपॉन टू होल नंबर ऐसे लिख सकते हैं इसको सारे रूट
की वैल्यूज को हमने 1 बाय 2 में यस मैम अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं मोनोमियल नीचे तो डिस्ट्रीब्यूटेबल है कैन आई राइट डाउन लाइक दिस दोनों के टर्म के नीचे x पावर 1 बाय 2 x पावर ये क्या हो गया मोनोमियल से डिवीजन मोनोमियल सिंगल टर्म वन टर्म ही है ना नीचे अगर सिर्फ मोनोमियल हो ना तो डिवाइड में भले ऊपर 10 टर्म भी दे रखे हो सब 10 के 10 नीचे के नीचे वो मोनोमियल आ जाएगा ऐसा सिर्फ मोनोमियल में होता है डिवीजन में अगर मैंने ऐसा लिखा सपोज 16x पावर 14 8x पावर 10 10x पावर 5 4x पावर 3 डिवाइड बाय 2x ऐसा लिखा है तो ये 2x सबके नीचे चला जाएगा इसके नीचे भी इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे ऐसा अलग अलग हो जाएगा सेपरेट हम मोनोमियल में ये कर सकते हैं नीचे मोनोमियल है ना वन टर्म है हम मोनोमियल में ये चीज कर सकते हैं तो यही करा x पावर 1 बाय 2 को दोनों के नीचे लिख दिया अब देखो अगर x पावर 1 बाय 2 x पावर 1 बाय 2 हो गया कैंसिल वो 6 प्लस ये ऊपर चला गया हो जाएगा माइनस 3 बाय 2 के साथ हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 3 माइनस 1 2 2 बाय 2 1 खत्म आंसर इज x प्लस 6 ओके सो दिस फिर से समझाओ दिस इज अ पॉलीनोमियल ओके मैं श्योर बोलो कौन से पार्ट में डिफिकल्टी हो रही है मैम ये फर्स्ट वन रूट को 1 बाय 2 लिखते हैं ये रूट की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में रूट x है दैट कैन बी रिटर्न एज x पावर 1 अपॉन 2 सेम यहां पे x पावर 1 अपॉन तो वो रूट को हम 1 बाय 2 करके क्यूब रूट होता है तो 1/3 लिखते हैं कुछ भी रूट और स्क्वायर रूट भी रखो अभी तो तुम ध्यान में स्क्वायर रूट होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 ओके और उसके बाद तो मोनोमियल सेपरेट कर दिया अलग अलग यहाँ पे x 1/2 को दोनों के नीचे लिख दिया और फिर डिवाइड कर दिया ये कट गया सेम है ऊपर नीचे कट गया ये पावर ऊपर चला गया तो माइनस हो गया सॉल्व हो गया ओपन टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.1 ओपन करो Exercise 2.1. Question number 1. Exercise 2.1. Question number 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? First, 4x square 3x plus 7. Polynomial hai ki nahi hai ye wala? Is this a polynomial? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Y square plus root 2. Yes, ma'am. Yes. पावर जो है होल नंबर वेरिएबल का yes.
नो मैम नो क्योंकि ई का पावर क्या है रूट में इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल एक बार मेरा कई बार ऐसा होता है कि तुमको ट्विस्ट करके देते हैं तो उसे सिंपलीफाई करो जैसे अभी नाइन्थ वाला था उसे सिंपलीफाई करोगे तब पता चलेगा यहाँ पे तो नहीं होगा सिंपलीफाई इसलिए डायरेक्टली ओपन करता हूँ No, ma'am. Yes. No. ये y का पावर है ऊपर चला जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और फिफ्थ वाला मैम वो वन वेरिएबल में नहीं है लेकिन पॉलिनोमियल है yes पॉलिनोमियल है पर वन वेरिएबल नहीं है हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है पॉलिनोमियल है इधर वन नहीं इधर तीन वेरिएबल यूज हुए x y y y और t y इसलिए दिस इज आल्सो नॉट polynomial. Question number two. Write the coefficient of x square in each of the following. Coefficient of x square. x square का coefficient का मतलब ये के साथ कौन सा नंबर है one 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 okay one समझ में तुम्हें x square का ही बताना है मैम one plus two minus one minus one minus one ऐश्वर्या पता चला कोएफिशिएंट क्या होता है यस मैम थर्ड का कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का पाई अपॉन टू करेक्ट और फोर्थ में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो करेक्ट क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है फोर्थ वाले में एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा जीरो जीरो क्वेश्चन नंबर फोर करो थ्री बाद में करो थ्री इजी है फोर्थ करो हो गया मैम फोर डन क्वेश्चन नंबर फोर राइट फोर्थ में एक बार समझो राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स डिग्री क्या होती है क्या बताया था मैंने व्हाट इज डिग्री मैम पावर जिसकी सबसे जिसकी पावर सबसे बड़ी हो तो फर्स्ट इक्वेशन देखो 5x cube, 4x square, 7x. सबसे बड़ा पावर कौन सा है ऊपर x cube. X नहीं सिर्फ नंबर बोलना है 3 मैम 3 अरे सेकंड वाले में 2 थर्ड वाले में 0 1 ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1 और फोर्थ वाले में 0 मैम फोर्थ में क्यों जीरो बेटा वेरिएबल ही नहीं है थ्री को तुम ऐसे लिख सकते हो थ्री को तुम ऐसे लिख सकते हो थ्री एक्स पावर जीरो क्योंकि एनीथिंग पावर जीरो तो
नहीं होता है तो ये 3 into 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो हर कॉन्स्टेंट नंबर, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो उसको तुम लिख सकते हो, वेरिएबल तुम कुछ भी ले लो, ऊपर लिख दो 0, a पावर 0 लिख सकते हो, रेड पावर 0, t पावर 0, एनीथिंग वेरिएबल बट पावर 0 उसका। ओके मैम, थैंक यू मैम, डन। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। जिसकी बड़ा डिग्री 1 होती है वो पॉलीनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलीनोमियल। पावर जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। मैम एग्जांपल दो ना। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फर्स्ट x स्क्वायर प्लस x, सबसे बड़ा पावर कौन सा है इधर, हाईएस्ट पावर 2, क्वाड्रेटिक। तो 2 डिग्री 2 हो यानी हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मैम। सेकंड क्यूबिक। क्यूबिक सेकंड इज क्यूबिक मैम। थर्ड क्वाड्रेटिक। थर्ड इज क्वाड्रेटिक करेक्ट। फोर्थ इज, फोर्थ लीनियर। फिफ्थ इज लीनियर। लीनियर लीनियर फिफ्थ इज लीनियर। सिक्स्थ इज क्वाड्रेटिक। सिक्स्थ इज क्वाड्रेटिक। सेवंथ इज सबसे बड़ा पावर इधर कौन है, 1, सो इट इज लीनियर। मैम सिक्स क्वाड्रेटिक। सिक्स क्वाड्रेटिक और सेवन क्यूबिक। क्यूबिक क्यूबिक ओके।